देखिए, आज का हमारा टॉपिक है पीएचपी कुकीज। मतलब कुकीज जो टॉपिक जो है वो आपके किसी भी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सर्वर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसके अंदर उपयोग आता है। कुकीज को बारे में अगर आप समझना चाहें तो इजी वे से अगर आप समझे तो पहले ये बात को समझे कि कुकीज का मतलब ये होता है कि यूजर से संबंधित कोई भी सूचनाएं, जैसे आप ब्राउजर पे यूजर का नाम है, पासवर्ड है, जो भी चीजें आप लोग स्टोर करते हैं वो उसके कुकीज है। तो अगर आप डेफिनेशन देखना चाह रहे हैं तो एक तरह से एक स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसे आप क्लाइंट ब्राउजर पर क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, और ये यूजर को पहचानने के लिए उपयोग में आता है। मतलब ये हुआ कि जब जब कोई क्लाइंट जो है वो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा, तब तब जो है, देखिए इस डायग्राम में आपको समझ में आ रहा है कि जैसे मान लो क्लाइंट ने सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजी, हमारा ब्राउजर है, उसके बाद में जो हमारा सर्वर जो है वो रेस्पॉन्स करेगा कुकीज के साथ ही करेगा, और हम लोग दोबारा जब भी अब रिक्वेस्ट करेंगे तो कुकीज के साथ ही करेंगे। तो ये जो है ये हमारा हुआ कुकीज के बारे में। यानी कि ये हुआ कि अगर हम खुद कुकीज अगर सेट करना चाहें, आप लोगों ने देखा भी होगा कि ब्राउजर के अंदर आप लोग जो हिस्ट्री है, यूजर के आईडी है, पासवर्ड है, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कुकीज के रूप में ही स्टोर रहती है। तो आप ये समझिए कि कुकीज को सेट अगर हम लोग खुद करना चाहे तो उसके लिए फंक्शन क्या है। हाँ, ये जरूर है कि ये प्रोग्रामिंग में बहुत कम यूज आता है, लेकिन समझने के लिए आप समझिए कि सेट कुकीज में नेम, वैल्यू, एक्सपायर, पाथ, डोमेन और सिक्योरिटी टोटल, ये हमारे आर्गुमेंट है। सबसे पहले आपको कुकीज का नाम बताना पड़ेगा जिस नाम से आप उस एनवायरमेंट वेरिएबल को स्टोर करेंगे ताकि आप कुकीज को एक्सेस कर सके। फिर आपकी आएगी वैल्यू जो कि उस वेरिएबल में स्टोर होगी। फिर आप लोग टाइमिंग भी बता सकते हैं कि भाई इतने टाइमिंग के बाद जो भी आपने यूजर नेम पासवर्ड जो सेट किया है वो डिलीट हो जाए, हट जाए, कुकीज ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाए। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि वेब ब्राउजर को क्लोज करते ही हमारी कुकीज डिलीट हो जाती है। हम चाहें तो उसके लिए पाथ भी बता सकते हैं कि कुकीज कहाँ स्टोर रहनी चाहिए। उसके लिए हम एक सिंगल फॉरवर्ड स्लैश का यूज भी करते हैं अगर आप सभी डायरेक्टरी में उसको स्टोर करने की परमिशन देते हैं। अब बात करते हैं डोमेन की। तो डोमेन हो गया, आप जो है जो भी कुकीज बना रहे हैं उसमें आप डोमेन को भी सेट कर सकते हैं, उसमें सिक्योरिटी भी दे सकते हैं। अगर आपकी कुकी सही काम करती है तब तो ये 1 को सेट करेगा और अदरवाइज सेट टू 0, विच मीन कुकीज कैन बी सेंट बाई रेगुलर एसटीटीपी, मतलब रेगुलर एसटीटीपी के द्वारा भेजी जाएगी तब तो ये सेट 0 हो जाएगी। और दिस कैन बी सेट टू 1 टू स्पेसिफाई दैट द कुकी शुड ओनली बी सेंट बाई सिक्योर ट्रांसमिशन, अगर सिक्योरिटी के द्वारा भेजी जाएगी तब आप इसे 1 रखेंगे। चलिए कुकीज का एक एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। कुछ भी नहीं किया है इसमें आपने, सेट कुकीज करके यूजर की वैल्यू, एक तरह से आप ये समझिए यूजर बराबर सोनू हो गया है और आपने यूजर की वैल्यू आपने सोनू असाइन कर दी है। अब इसमें एक फंक्शन है इज सेट। इज सेट ये कह रहा है कि क्या कुकी सेट हुई है। तो जी हाँ, पहली बार जब आप इसको रन करेंगे तो कुकीज को सेट नहीं दिखाएगा, लेकिन जैसे ही आप इसे रिफ्रेश करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि ये यूजर सोनू उसके लिए असाइन हो जाएगा। मतलब एक तरह से आप सेट कुकीज का मतलब ये समझ लीजिए कि यूजर बराबर सोनू हो गया। नेक्स्ट टाइम जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे तो कुकीज की वैल्यू यूजर वैल्यू आ जाएगी जो कि क्या होगी, सोनू आएगी। मतलब अब आपका यूजर कुकीज में क्या सेट हो गया, सोनू सेट हो गया। इसी तरह से अगर आप कुकीज को डिलीट करना चाहें तो सेट कुकीज करते समय आप कुकीज का नाम के साथ टाइमिंग में, जो आपका करंट टाइमिंग चल रहा है उसमें आप 3600 मिलीसेकंड का आप डाल सकते हैं जो कि 1 आवर के लिए होगा। तो उतने टाइम के बाद आपकी कुकीज क्या हो जाएगी, आपकी डिलीट हो जाएगी। इसी तरह से आप कुकीज को अपडेट कर सकते हैं, जैसे कि आप मॉडिफाई करना चाहे तो यूजर को। तो एक तरह से कुकीज जो है वो एक ब्राउजर पे स्टोर होने वाली सूचना है और जो कि यूजर से संबंधित सभी सूचनाएं क्लाइंट साइड पर रखती है। धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा सेशन।